आज हम जो पढ़ेंगे, बहुत दिनों बाद में वापस से नया वीडियो डालने जा रहा हूं मैं, और इसमें पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ये आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी ये टॉपिक है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम आप फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का पेपर देखना, उसमें भी दो क्वेश्चन टाइड से संबंधित बने हैं। और आपके जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम आ रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद में एग्जाम है, उसमें भी ये ज्वार भाटे का टॉपिक आपके है ज्योग्राफी से। तो आज इसको हम समझेंगे, बाकी इस टॉपिक में है ऐसा कुछ नहीं, लास्ट तक जरूर देखना और बहुत इजी टॉपिक है इसको। सबसे पहले आपको बता दें कि ज्वार भाटा क्या होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि समुद्र का जो पानी है, समुद्र के पानी में ज्वारीय बल, ज्वारीय बल चंद्रमा से संबंधित होता है, चंद्रमा या सूर्य से। तो ज्वारीय बल के कारण समुद्र के पानी का एक बार उभार आता है दिन में, और उभार को जो ऊपर उड़ता है उसको हम कहते हैं ज्वार, और वही पानी वापस समुद्र की ओर जाता है उसको हम कहते हैं भाटा। तो इस प्रकार से, क्योंकि कई बार मजाक में कोई आपको सर पढ़ाती होंगी कि ज्वार खाने का, भाटा फेंकने का, लेकिन वैसा नहीं है। ज्वार भाटे का शाब्दिक अर्थ है कि समुद्र के पानी में चंद्रमा या सूर्य के जो भी ज्वारीय बल है उसके कारण पानी का ऊपर उठना ज्वार और पानी का वापस समुद्र की ओर जाना भाटा कहलाता है। अब ये आता की ओर उसका कितना टाइम होता है, उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको इसमें आपका पृथ्वी की घूर्णन गति याद रखनी है, पृथ्वी की घूर्णन गति, इसका योगदान होता है। दूसरा है इसमें वो चंद्रमा की परिक्रमण गति, इन दो गतियों से संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन को हम परिभ्रमण भी कह सकते हैं। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में किन गतियों का जो उपयोग ज्वार भाटा के अंदर होता है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, जबकि चंद्रमा की परिक्रमण गति से। अब आप इसको एक बार परिभ्रमण को और परिक्रमण को समझ लें। कोई भी पिंड अपने अक्ष पे, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है और ये पृथ्वी, मानो ये पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है, उसको हम कहते हैं परिभ्रमण, अर्थात इसको एक दैनिक गति है, रोज पृथ्वी अपने यहां पर चक्कर लगा रही है, इसको हम क्या कहते हैं परिभ्रमण, और इसको घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। लेकिन जब यह पृथ्वी किसी पिंड के सापेक्ष उसके चारों ओर अगर चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण। भ्रमण से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रोज सुबह भ्रमण के लिए जाना चाहिए तो वो भ्रमण आ जाएगा, क्रमण का कभी कभी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से, तो चंद्रमा की परिक्रमण मतलब चंद्रमा किस पिंड के चारों ओर चक्र लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाता है, इसीलिए उस जो पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगाएगा उसका संबंध यहां ज्वार भाटे से है। देखिए आइए इसमें, अब आपको यह ध्यान रखना मोटा मोटा कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा कर लेगी। लेकिन चंद्रमा को परिक्रमण करने के लिए, पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करने के लिए इसमें 27 दिन के लगभग 27 दिन मोटा मोटा याद कर लो, लगभग 27 दिन से ऊपर लगते हैं, 27 दिन लगते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, ऐसी क्या कंडीशन होती है कि देखिए इस मैप में देखो, जब भी पृथ्वी का ये भाग, ये वाला भाग चंद्रमा के सामने आएगा, जब भी चंद्रमा यहां पर है पृथ्वी यहां पर है, जब भी पृथ्वी का कोई भाग चंद्रमा के सामने आएगा तो वो खिंचाव के कारण उसका पूरा का पूरा पानी इधर उभार की ओर ऊपर उभर जाएगा, इधर उभर कर आ जाएगा खिंचाव की वजह से, इसको हम कहते हैं ज्वार। क्या कहते हैं इसको, ज्वार। इधर का पानी नीचे जाएगा इसको कहते हैं भाटा। तो इसके विपरीत भाग पे भाटा आता है तो सामने वाले भाग पे ज्वार आता है। ये किसके कारण होता है, चंद्रमा के आकर्षक बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षक बल के कारण, जिसको हम ज्वारीय बल कह सकते हैं, जिसको ज्योग्राफी में क्या कहते हैं ज्वारीय बल। यहां तक समझ में आ गया, चंद्रमा अपने इस परिक्रमण पथ पर, जो इसका परिक्रमण पथ है, जो पृथ्वी के चारों चक्र लगाता है, उसमें एक दिन में 13 डिग्री का क्या करता है, रोटेशन करता है, कितने डिग्री का, वो भी पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष से,
यहां से यहां एक दिन में 13 डिग्री आगे बढ़ता है और इस पूरे 360 परिक्रमण करने के लिए आप इसमें यह भी ज्ञात कर पता कर लो कितने दिन में भाई चंद्रमा एक दिन में कितने डिग्री मूवमेंट कर रहा है 13 डिग्री तो 360 डिग्री मूवमेंट करने के लिए कितने दिन लेगा तो हम 360 में 13 का भाग दे देंगे तो इसमें 27.6 आएगा अर्थात कैसे 27 जैसे कुछ ज्यादा दिन लेता है 27 दिन और 6 घंटे लेता है तो ये बात होगी। अब ये होता है क्वेश्चन यहां बनता है कि पृथ्वी के किसी भाग पर जब ज्वार आता है तो अगला ज्वार कितने घंटे बाद या कितनी देरी से आएगा। अब हम बात करते हैं ये वाला भाग 12 घंटे बाद घूम के कहां चल जाता है यहां पर और वापस से 12 घंटे बाद घूम कर कहां आएगा यहां पर तो पूरा एक चक्कर कितने घंटे में हो गया 24 घंटे में। 12 घंटे में ये भाग जस्ट पीछे चल जाएगा वापस से 12 घंटे में जहां था वापस वही आएगा अर्थात हम कह सकते हैं 24 घंटे बाद वापस उसी स्थान पर वो चंद्रमा के सामने आएगा तो उस पर क्या आता है ज्वार आता है। लेकिन जब ये वापस से इस भाग में जाएगा 12 घंटे बाद वापस से उस पर ज्वार आता है आ रहा नहीं आ रहा है क्योंकि एक ज्वार यहां आता है इधर भी आएगा ज्वार बटा तो जब वापस घूम के यहां आएगा तो 12 घंटे बाद आता है लेकिन वापस उसी जगह आए जहां पर पहला भाग यहां था तो उसी जगह कब आएगा 24 घंटे बाद आएगा लेकिन तब तक एक दिन हो जाता है पूरा तब तक 24 घंटे हो गए ना तो 24 घंटे बाद ये भाग वापस यहां आएगा तब तक चंद्रमा यहां नहीं होगा चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा 13 डिग्री आगे पहुंच जाएगा पर चंद्रमा क्या पहुंच गया यहां इस भाग को यहां आना चाहिए अब तभी ज्वार आएगा ना क्योंकि चंद्रमा तब वापस इस भाग पे आएगा तो ज्वार बटाएगा तो इस 13 डिग्री को पृथ्वी को कवर करने के लिए 52 मिनट लगते हैं कितने मिनट 52 मिनट 52 मिनट कैसे लगेंगे 360 अक्षांश घूमने में पृथ्वी लेती कितने घंटे 24 घंटे अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री है उसको 24 से भाग देंगे किसे भाग देंगे 24 से भाग देंगे तो एक घंटे का आ जाएगा किसका आ जाएगा एक घंटे का एक घंटे में 60 मिनट होती उस प्रकार निकाल सकते हैं या इसका तरीका है कि ऐसे करो घंटे को जो आपकी है नहीं है उसको आप किसमें मिनट किसमें कर लो मिनटों में तो हम कह देंगे 1440 मिनट होती है किसमें 24 घंटे में कितने घंटे में 24 घंटे में मतलब 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1440 मिनट लेती है तो एक डिग्री कवर करने में कितना समय लेगी तो 360 का भाग लगा दो जब यहां भाग लगाएंगे तो इसका भाग गुणनफल आएगा 4 मिनट क्या आएगा अर्थात पृथ्वी एक डिग्री कवर करने में कितने मिनट लेती है 4 मिनट तो यहां पर 13 डिग्री एक्स्ट्रा गया ना तो इस 13 डिग्री को कवर करने के लिए पृथ्वी कितने मिनट लेगी 52 मिनट कितने 52 तो जब ये भाग वापस से घूम के उसी स्थान पे आएगा तो 24 घंटे में ना आकर 24 घंटे 52 मिनट में आता है समझ में आया 24 घंटे 52 मिनट में उसी स्थान पर लेकिन जब इसके विपरीत भाग में जाएगा तो वहां पर ये क्या होता है 12 घंटे भाई आधा कर दो जब घंटे 12 हो गए तो ये मिनट भी क्या हो जाएगी आधी तो ये हो जाएगा यहां पर 26 मिनट। तो क्वेश्चन इसमें होता है किसी भी स्थान पर अगला ज्वार कितने देरी बाद आएगा तो अगला ज्वार मान लो ये भाग है यहां पहुंचेगा तो अगला ज्वार आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे 12 घंटे 26 मिनट देरी से आएगा। 26 मिनट क्यों आ रही है एक्स्ट्रा समझ में आ गया क्योंकि चंद्रमा तब तक आगे निकल जाता है जब 12 घंटे होगा तो 12 घंटे में 6 डिग्री एक्स्ट्रा आगे निकल जाएंगे ना तो 6 डिग्री वाला भाग इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इधर तो यहां पर ये 12 घंटे बाद में आकर 26 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं उसको क्योंकि चंद्रमा 6 डिग्री आगे 6.5 डिग्री आगे बढ़ जाता है उसको कवर करने के लिए 26 मिनट लगती है और वापस से कोई स्थान वापस से घूमकर उसी जगह आए तो अगला ज्वार कब आएगा तो वो आएगा 24 घंटे 52 मिनट बाद।
अब आप आरपीएससी के 2015 जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसमें आया था कि पृथ्वी की कुंडल गति डबल कर दे, कितनी कर दे, दुगनी कर दे। तो दुगनी का मतलब ये कर लो कि पृथ्वी की जो कुंडल अभी 24 घंटे में कर रही है वो 12 घंटे में करेगी, जो अभी कितनी में कर रही है 24 घंटे में वो करेगी 12 घंटे में। अर्थात यहां पर जो है वो 12 घंटे में चंद्रमा मात्र 6.5 डिग्री बढ़ पाएगा, कितना 6.5 डिग्री, मतलब वापस से वो स्थान घूमकर इस स्थान पर आएगा, तब तक उसको जो टाइम लगेगा वो 12 घंटे 26 मिनट का लगेगा क्योंकि स्पीड डबल हो गई है, जबकि इसके विपरीत भाग में जो आएगा वो इसका आएगा 6 घंटे 13 मिनट देर से। तो आप इसकी गति दुगनी करके देख लो, हो सकता है पृथ्वी घूर्णन गति आधी कर दे, कितनी कर दे आधी, तो आधी का मतलब है कि अगर दिन कितना हो गया 48 घंटे में पृथ्वी एक चक्र पूरा करेगी, उसी हिसाब से कर लो कि 48 घंटे में चंद्रमा कितना आगे जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की गति तो कम नहीं की उन्होंने, अगर उसमें आ जाए कि चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी कर जाए उस हिसाब से ये परिक्रमण गति आधी कर देंगे तो ये जो डिग्री है 13 डिग्री न जाकर वो 6.5 डिग्री जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको पकड़ना है कि किसको कितना घुमाना है उसी अकॉर्डिंग दिन रात होंगे। अगर पृथ्वी घूर्णन गति डबल करते हैं तो जल्दी एक चक्र पूरा करेगी, उसी अनुपात में जो भी 24 घंटे वो 12 हो जाएंगे, पृथ्वी गति आधी कर देंगे नहीं है स्पीड कम कर दिए तो उसी अनुपात में 24 की जगह 48 यहां पर हो जाएगा। ये तो है आपका समय निकालने का। अब आता है कि ज्वार बाटे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु ज्वार, एक होता है दीर्घ ज्वार या सामान्य। लघु ज्वार पहले बात करें दीर्घ ज्वार की, दीर्घ ज्वार कब आता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जब क्या आएगा दीर्घ ज्वार आता है, और इस स्थिति को कहते हैं सिद्धि। क्या कहते हैं सिद्धि। तो हम कह सकते हैं कि जो ज्वार आता है दीर्घ ज्वार वो आता है सिद्धि की स्थिति में, मतलब एक रेखा में हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक तो चंद्रमा का बल है और उसमें एक सूर्य का बल, दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं, तो वो जो सामान्य ज्वार है वो दीर्घ ज्वार में होता है। सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा या अधिक तीव्रता रखता है वो दीर्घ ज्वार कहलाता है, सामान्य ज्वार से 20% कम रखता है वो लघु ज्वार कहलाता है। लघु ज्वार कब आता है जब यह स्थिति संपूर्ण पे हो जाए, किसमें सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा आपस में समकोण बनाए, वो होगी सप्तमी या अष्टमी के दिन तब आता है लघु ज्वार, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है दीर्घ ज्वार। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में हो उसको कहते हैं व्युक्ति। क्या कहते हैं व्युक्ति। और जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी हो इसको कहते हैं युति। क्या कहते हैं इसको युति। इस प्रकार से ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतने में इतना आ जाएगा ज्वार बाटे का टॉपिक, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले प्रकार के पेपर, उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी डीपली पढ़ेंगे तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे भी आते हैं कि कौन सी खाड़ी है जहां पर दिन में 4 बार भी आते हैं ज्वार, जहां ऐसा है जो बार बार ज्वार भी आता है सामान्य ज्वार से अधिक ऊंचाई होती है, वो आप फैक्ट है वो फैक्ट पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट की बात करेंगे क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। धन्यवाद।